नमस्कार, स्वागत है आपका सच कहो न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। एक बार मैं फिर से नोएडा की गलियों में जा पहुंची हूं, जहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके सांसद ने उनकी निजी समस्याओं को लेकर कितना काम किया और क्या उन्हें उनसे अपेक्षाएं हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। गली में घुसते ही, जैसे कि आप देख सकते हो, गली में घुसते ही यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, ये तो रही टूटी फूटी सड़कों की बात, चलिए इस पर लोगों की राय जानते हैं। सर, आप देख रहे हो कि जैसे कि सड़कें टूटी फूटी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके सांसद ने इन सब सड़कों को लेकर या फिर निजी समस्याओं को लेकर कितना काम किया है? पिछले 5 वर्षों में हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं, जो भी हैं, बीजेपी के हैं, जो भी हैं, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। ये तो सड़कों की बोल रहे हैं आप, यहाँ पे तो पानी भी बहुत प्रदूषित आ रहा है, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण दावा करता है कि ये गंगा जल पानी है। वो ऐसा पानी आ रहा हो कि पीना तो दूर की बात हो, नहाने के योग्य भी नहीं है। अच्छा, क्या उन्होंने वादे किए थे कि हम पक्की सड़कें बना देंगे, गड्ढे भर देंगे? बिल्कुल वादे किए थे, जभी तो हमने उनको चुन के वहाँ संसद में भेजा। तो वो वादे पूरे नहीं हुए? कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। और ये जमीनी स्तर पे आप इसको देखोगे तो कोई, बिल्कुल मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत के आप हालात देख लीजिए, नालों की सफाई नहीं होती है, गंदगियों की भरमार हो रही है, बीमारियों इतनी चल रही हैं जी, यहाँ पे किराएदार भी बीमार हैं और यहाँ के जो गाँव वासी हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमार भी होता रहता है। आपका सर इस पर क्या कहना है? देखिए, विकास के नाम पर तो वोट देते हैं लोग कि हमारा विकास होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, शिक्षा का ध्यान रखेंगे, रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ के सांसद जी 5 वर्षों तक ये सब व्यवस्था तो करना तो दूर, मिलने तक 5 वर्ष तक किसी आदमी ने देखा नहीं, उसे किसी ग्राम में गए हो, किसी झुग्गी झोपड़ी में गए हों, किसी कॉलोनी में गए हों, वो तो किसी से मिलते ही नहीं है। हाँ, वो तो हमें दिख रहा है, जिस हिसाब से मुझे गली दिख रही है, टूटी फूटी सड़कें हैं, उस हिसाब से तो मुझे दिख रहा है। और उसके अलावा भी बता दें कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रोजगार छीन ली, GST के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, तमाम लोग बर्बाद तबाह। कम से कम हम ये कह सकते हैं आपके चैनल पर, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, ना कोई इस गांव में वोट दे रहा, ना इस कॉलोनी में कोई वोट दे रहा, तो हम इसका विरोध करते हैं, वोट चाहे किसी को भी दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। हम आपके सांसद की बात कर रहे हैं कि आपके सांसद ने कितना काम किया है? सांसद को 0/10 नंबर दे रहे, कुछ नहीं किया काम, बिल्कुल काम नहीं जो किया। थोड़ा बहुत किया नोएडा प्राधिकरण ने, हम लोगों के अपने प्रयास से सब गांव के सेक्टर के लोग जाके। अच्छा, उनसे आप अपेक्षाएं क्या रख रहे हैं आप? भाई, हाँ, यहाँ अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे अस्पताल खुले, क्योंकि उनका अस्पताल इतना बढ़िया, अपना आप में प्राइवेट अस्पताल है तो खुलने नहीं देते अस्पताल भी कोई बढ़िया। हम तो ये चाहते हैं अच्छे शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य लोगों का रहे, अच्छी रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, नौजवान लोगों को अच्छे मौके मिले और देश आगे बढ़े, लेकिन ये सब चीज़ व्यवस्था सांसद से हो नहीं पा रही। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप बताओगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा भाई साहब ने बताया, बिल्कुल वही चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि आपके सांसद ने जो वादे किए थे, पक्की सड़कों का, मक्खन जैसी सड़कें कर देंगे, तो उस पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं जी, अभी तो बिल्कुल इस तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ। आप सर बताओ। हम क्या बताएं मैडम, कुछ गड्ढों के बारे में बताइए, कितने गड्ढे मुक्त हुए? गड्ढों में आप देख ही रही हैं, देखो कुछ विकास ही नहीं हुआ है। आप बिल्कुल अपने सांसद से बिल्कुल खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं आप? हम तो अपेक्षा ये रख रहे हैं कि मैडम देखो, जो भी कोई काम करेगा हम तो उसके साथ हैं। अभी तक तो देखो मोदी जी ने नाम ही नाम करा है, काम तो करा ही नहीं है। चलिए, मोदी जी की तो बात सही है, पर हम सबसे पहले होता है कि हमारा सांसद चुनना, ठीक है? तो आप सांसद के बारे में बताइए कि आप क्या सोचकर उनको वोट दिए या फिर उन्होंने उन वादों को पूरा किया? मैडम, उन्होंने कोई काम ही पूरा नहीं करा, उन्होंने तो सिर्फ नाम करा है, काम ही पूरा नहीं करा उन्होंने। चलिए, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई गलियों का और क्या क्या हाल है। गड्ढे आप देख सकते हो, नालियां देखिए, नालियां किस तरह से हैं, भरी पड़ी हैं। इसको सफाई के लिए कोई आता है कि नहीं? यहाँ पे कोई सफाई के लिए नहीं आता है, जबकि नोएडा प्राधिकरण से हमारे गांव के लिए 7 लाख रुपए प्रति माह खर्च किए जाते हैं, लेकिन क्या है ना, इतनी बड़ी लापरवाही है, कभी नालियों की सफाई नहीं होती है। कितने दिन पे सफाई होती है? कभी आते हैं आते हैं भगवान भरोसे, कभी हफ्ते में आ जाते हैं, कभी 2 दिन में आ जाते हैं, कभी 1 दिन में, कोई वो नहीं है इस तरीके का। आप लोगों ने कोई कंप्लेन या कोई कुछ किया नहीं? बहुत कंप्लेन करते हैं हम नोएडा प्राधिकरण के कॉल सेंटर पर, कोई सुनवाई नहीं होती है, कभी भेज देते हैं कभी नहीं भेजते हैं। और इसके अलावा पानी भी बहुत प्रदूषित आ रहा है हमारे यहाँ, जो गंगा जल पानी आ रहा है, सप्लाई लाइन जो है बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पर नाली की समस्या को लेकर, सड़कों की समस्या को लेकर, पानी को लेकर
इन लोगों ने कंप्लेन भी किया, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कचरा जमा हो रखा है, देख रहे हो कि यहाँ वहाँ से नाली शुरू हुई जो कि बहुत बुरी तरह से जाम था, उसके बाद यहाँ पर आकर नाली बंद हो गई। तो ये किस तरह का काम है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा ये कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो डॉक्टर साहब हैं, उनका प्राइवेट अस्पताल है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता मरती रहे, जितना बीमार रहें उतना ही हमारा अस्पताल चलेगा। आए दिन भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास तो भूल गए, अपना विकास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान चला था, हर तीसरे महीने स्वच्छ भारत अभियान चला था, इसको देख के तो क्या लगता है आपको कि अभी तक भारत क्या नोएडा ही अभी स्वच्छ नहीं हो पाया? अजी नोएडा छोड़िए, कहीं भी कोई स्वच्छता अभियान नाम नाम का है, इसके नाम पर खाली पैसा लूटने का काम किया गया है, अपना विकास किया गया है। हर तीसरे महीने लोगों के नए नए अस्पताल बनते हैं, और जैसा जो अमित शाह के बेटे हैं उनकी कितनी आय बढ़ जाती है आम आदमी सोच भी नहीं सकता, जीवन समाप्त हो जाता है आदमी का। अच्छा, यहाँ किस तरह का जीवन, अगर जब बारिश होती होगी तो बारिश में यहाँ का क्या हाल होता होगा? बारिश में ये पानी लोगों के कमरों में घुस जाता है, लोग मजबूर होते हैं, बाहर आते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, बारिश बंद होती है तो सफाई करते हैं और उसी में रहते हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, बीमार होते हैं लोग, अस्पतालों में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। सरकारी अस्पताल भी मिला हुआ है, सरकार की तरफ से वहाँ कोई काम नहीं किया जाता, जिससे कि सारे पेशेंट डॉक्टर महेश शर्मा जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनके यहाँ जाएं और पैसा खर्च करें, पैसे के नाम पे लूट की जाती है। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो पांच में रहते हैं, तो राशन लेने आए हैं, राशन लेने आए तो कहीं ना कहीं के तो आप होंगे, अगर यहाँ नहीं रहते तो वहाँ पे कैसा काम हो रहा है? वहाँ पे भी नाली ऐसी पड़ी है, भरी भरी नाली बंद पड़ी है, पानी हम लोग का निकल नहीं रहा, सेक्टर पांच का तो और बुरी हाल है हमारी, सेक्टर पांच में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, सेक्टर पांच में इससे बुरा हाल है। हाँ मैम बताओ, बुरा हाल है वो तो मगर इससे भी बुरा हाल है। कैमरे पे बताइए, आप अपनी समस्या को कैमरे पे बताइए। वो तो मगर सेक्टर पांच में तो इससे भी बुरा हाल है, नाली भरी पड़े थे, इतने पानियों में निकल रहे हैं, बुरा हाल है, वही मैं कह रही हूँ और भी ज्यादा। तो आपके सांसद ने इन सब समस्याओं को लेकर कोई प्रयास नहीं किया? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, वोट आएंगे जब तो हाथ जोड़ेंगे, और जो रोड है रोड पर मकान बना रखे हैं तो पानी कहाँ जाएगा? और क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं भैया? हम पानी नहीं आता है, नाली का पानी नहीं कहीं पे जा रहा, हर चीज की समस्या, लाइट की समस्या, पानी की समस्या, गरीब आदमी को बता। उन्होंने तो वादे किए थे कि हम तो गली कुचे सब सही कर देंगे, लाइट पानी सबसे पहले, तो हर सरकार और हर पार्टी का लाइट पानी को ही लेके सबसे बड़ा होता है। तो कहते बच्चों को सुविधा देंगे, बच्चों का हर स्कूल में नाम लिखे, कहीं पे जाओ तो दिल्ली का बिल मांगते, कहाँ से दें भैया, गरीब आदमी प्राइवेट में पढ़ा पढ़ा के क्या करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम आए थे निजी समस्याओं को लेकर, पर यहाँ पे एक समस्या नहीं कई समस्याएं उभर कर आई हैं। सेक्टर पांच की यहाँ पर बात आ गई कि सेक्टर पांच का भी इससे भी बुरा हाल है, वहाँ पे नालियाँ सड़कें सारी टूटी फूटी पाई जा रही हैं, और इसके साथ ही लोगों का कहना है कि यहाँ पे शौचालय भी नहीं है लोगों के घरों घरों में। तो ये तो रही जनता की राय, तब तक के लिए आप देखते रहिए सच कहूं न्यूज़।